और सरकारी पदाधिकारी को बताना चाहता हूं, उनको जो कंफ्यूजन है सिर्फ इस कारण वो पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं। इसलिए उनसे आग्रह है कि जो शैक्षणिक अवकाश होता है और गैर शैक्षणिक, दोनों दो होता है, जो गैर शैक्षणिक ड्यूटी है जैसे किरानी है, प्रशासनिक सेवा है, उनको साल में 33 दिन का ईएल दे है, इसलिए उनकी छुट्टी कम होती है, 30 दिन होती है, और हमको साल में मात्र 11 दिन का ईएल दे है, वही छुट्टी हमारा बढ़ जाता है और साल में हमको 60 दिन छुट्टी होता है। इसलिए आप अविलंब या छुट्टी दे दे, दिसंबर तक छुट्टी में संशोधित करें। हिंदुओं के महापर्व दशहरा 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक विद्यालय में छुट्टी को लेकर संशय बना हुआ है। पूर्व में विद्यालय में दशहरा की छुट्टी हमेशा 10 दिनों की हुआ करती थी, परिवार से लेकर और दशहरा तक। ये 2022 का तातिलनामा है, 2023 का तातिलनामा है, हर साल कलस्थापन से लेकर दशहरा तक लगातार 10 दिनों की छुट्टी होती थी, लेकिन इस बार सारी छुट्टियों में जो कटौती की गई, हिंदुओं के सारे पर्व के छुट्टी में जो कटौती की गई, उसके तहत दशहरा में भी छुट्टी की कटौती की गई और सिर्फ अष्टमी, नवमी, दसवीं यानी 3 दिन छुट्टी दी गई, जिसको लेकर के लगातार शिक्षकों की मांग रही है, छात्रों की मांग रही है, छात्र के अभिभावकों की मांग रही है कि भाई दशहरा महान पर्व है, इसमें लोग नवरात्रा में रहते हैं, भूखे रहते हैं, उपवास रहते हैं, बहुत सारे बहन भाई निर्जला रहते हैं, इसलिए लगातार कम से कम 10 दिन की छुट्टी दी जाए। लेकिन इसको लेकर के लगातार शिक्षा विभाग में संशय बना हुआ है, रोज बैठक पर बैठक, बैठक पर बैठक हो रहा है, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं आया है, जबकि 3 तारीख से दशहरा की छुट्टी है। न सिर्फ बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठन बल्कि बड़े बड़े नेता भी, यहां तक कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के बड़े नेता भी मांग कर चुके हैं, विपक्ष के नेता भी मांग कर चुके हैं कि हिंदुओं के महापर्व दशहरा को देखते हुए लगातार परिवार से लेकर और दसवीं तक कम से कम 10 दिनों की छुट्टी दी जाए। लेकिन यह सरकार भी घोषणा करती रही है कि छुट्टियों में संशोधन होगा, लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी है, जो लाल फीताशाही है, जो कहते कुछ है करते कुछ है, जो मुख्यमंत्री तक की बात नहीं मान रहे हैं, शिक्षा मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, उनकी लाल फीताशाही आज तक हावी है और अभी तक यह निर्णय नहीं हुआ है कि छुट्टी 3 दिन होगा या 10 दिन होगा या 5 दिन होगा या नहीं होगा। अभी जो पुराना कैलेंडर वही लागू है। बिहार के तमाम 5.5 लाख शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब कल से परसों तक छुट्टी में संशोधित कर और नई छुट्टी का कैलेंडर दिसंबर तक का आप एक बार में निकाल दे, जिसमें दशहरा की छुट्टी परिवार से लेकर 10 दिन दशहरा तक हो और छठ दीपावली के बीच में इतिहास रहा है, बिहार में कभी भी विद्यालय नहीं खुलते हैं छठ से दिवाली के बीच में, जबकि इस बार दीपावली के एक दिन भी छुट्टी नहीं है, सिर्फ एक दिन है जो रविवार है और छठ के भी 2-3 दिन छुट्टी है, वह छुट्टी भी लगातार किया जाए। मैं सरकार को, सरकारी पदाधिकारी को बताना चाहता हूं, उनको जो कंफ्यूजन है सिर्फ इस कारण वो पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं। इसलिए उनसे आग्रह है कि जो शैक्षणिक अवकाश होता है और गैर शैक्षणिक, दोनों दो होता है, जो गैर शैक्षणिक ड्यूटी है जैसे किरानी है, प्रशासनिक सेवा है, उनको साल में 33 दिन का ईएल दे है, इसलिए उनकी छुट्टी कम होती है, 30 दिन होती है, और हमको साल में मात्र 11 दिन का ईएल दे है, वही छुट्टी हमारा बढ़ जाता है और साल में हमको 60 दिन छुट्टी होता है। इसलिए आप अविलंब या छुट्टी दे दे, दिसंबर तक छुट्टी में संशोधित करें, और उसके बाद अगर आपको पुराना छुट्टी देना है शिक्षकों को तो दीजिए, नहीं देना है तो आप नई छुट्टी ही दीजिए, लेकिन 33 ईएल जो सारे विभाग में, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, प्रशासनिक विभाग, सारे विभाग में जो ईएल है उस तरह से आप दीजिए, हमको स्वीकार है, हम छुट्टी नहीं चाहिए, हम अपना 10 दिन ईएल ही ले लेंगे, हम छठ में ईएल ही ले लेंगे, बात बराबर रहेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, करवत प्रार्थना करते हैं कि आप अविलंब 1 से 2 दिन में दशहरा की छुट्टी परिवार से लेकर 10 महीना तक 10 दिन और छठ की छुट्टी दिवाली से छठ तक घोषित करें, आप कोई हर धर्मता नहीं करें। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार।